हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे मैथ का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 2020 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी 2020 में एग्जाम देने वाले हैं वो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जल्द से और बेल आइकन को इम्प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर देंगे दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न शुरू होता है तो आपका मैथ का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, आपका ऑप्शन में दिया हुआ है 49/64, ऑप्शन नंबर बी में है 81/51 और ऑप्शन नंबर सी में है 31/51 और ऑप्शन नंबर डी में है कि 49/101। तो इनमें से कौन परिमेय संख्या है दोस्तों, तो आप पता करेंगे ठीक है। तो परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जो रूट से निकल जाए, कट जाए, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और जो रूट से ना निकले ना कटे उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो आइए पहले ऑप्शन नंबर ए को पहले जांच लेते हैं कि ये अपरिमेय है या परिमेय संख्या है। तो हमारा यानी कि पहला क्या है हमारा कि √49/64 है ठीक है। देखिए √49 को अगर तोड़ेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा ठीक है। और 64 को तोड़िएगा आप तो आपका आंसर आ जाएगा 8 ठीक है। तो ये हमारा जो रूट तोड़े तो ये निकल गया, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया ठीक है। ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। और ऑप्शन नंबर बी को जांचते हैं √81/91। देखिए 81 भी नहीं किसी से कर रहा ना 91 कर रहा, तो ये हमारा क्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या हुआ, ये हमारा अपरिमेय संख्या हुआ। और ऑप्शन नंबर सी में आते हैं 51/31/51 का ओवर रूट, तो ये भी हमारा किसी से यानी कि किसी का भी रूट कट नहीं रहा, तो ये भी हमारा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। और रूट ऑप्शन नंबर डी में है 49/101 और ओवर रूट ठीक है। तो 49 का भी कट जाता है यानी कि 7 आ जाएगा और 101 का तो कट ही नहीं सकता है ठीक है। तो एक कट रहा और एक नहीं कट रहा, तो यानी कि इसका आंसर तो बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा जो हो जाएगा ये 101 हो जाएगा और बिल्कुल इसका ओवर रूट हो जाएगा, क्योंकि 49 का ओवर रूट कटा और 101 का नहीं कटा है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो √49/64 हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की संभावना होती है। अगला सवाल है दूसरा नंबर, यदि साइन थीटा 101/2 ठीक है, साइन थीटा बराबर 1/2 तो कॉस थीटा बराबर व्हाट, यानी कि मालूम नहीं कॉस थीटा बराबर क्या होता है। तो आइए पहले यानी कि ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 1/2 √3/2 2/√3। तो दोस्तों आइए हम इसको पहले हल करते हैं, क्या इसका आंसर जवाब बताता है ठीक है। तो यह हमारा क्या बोलता है कि साइन थीटा बराबर कितना बोलता है, 1/2। तो यहाँ पर मैं अच्छे से एक बार लिख देता हूँ दोस्तों, साइन थीटा बराबर 1/2, तो किसका मान ज्ञात करने बोलता है, कॉस का मान ज्ञात करें। तो आइए पहले कॉस का मान ज्ञात करते हैं। तो पहले आप यहां देखें कि साइन थीटा बराबर 1/2 है ठीक है। तो साइन थीटा का मान होता है हमारा P/H, यानी कि लंब बटा कर्ण, ये फॉर्मूला आप जरूर याद करेंगे ठीक है, लंब बटा कर्ण यानी कि P/H ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम दे रही है और आपको क्या करना है कि ये जो आप पढ़े होंगे यानी कि जो हमारा होता है, एक होता है लंब होता है और एक होता है कर्ण होता है, एक होता है आधार ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं करने को H और लंब को P और आधार को B बोलते हैं ठीक है, एक चीज याद करके रखेंगे ठीक है। तो साइन थीटा बराबर होता है हमारा P/H और हमारा कर यानी कि लंब बटा कर्ण, और इसमें क्या नहीं है, हमारा आधार नहीं है यानी कि बेस नहीं है। तो आइए पहले आधार को निकालते हैं, तो यह मान निकालेंगे यानी कि आधार बराबर B बराबर हो जाएगा आपका H²-P², ये फॉर्मूला आप याद करेंगे ठीक है। अगर P का मान बोले या लंब बोले या आधार बोले या कर्ण बोले तो फॉर्मूले पर रिलेटेड बैठाकर आप मान निकाल सकते हैं। तो यह देखिए आप H बराबर कितना है, 2 है, 2 का होल स्क्वायर कर देना है, फिर माइनस देना है। P बराबर देखिए हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देना है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर 1 होगा ठीक है। फिर इसको ओवर रूट चढ़ा दीजिएगा, फिर बराबर देखिए 4 में से 1 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, √3 आंसर आ जाएगा ठीक है। कितना आएगा, √3 आ जाएगा आंसर, यानी कि आधार बराबर जो हमारा आया वो √3 आंसर आ गया। अब मैं देखते हैं दोस्तों आप क्या बोलता है कि cos थीटा का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ, देखिए cos थीटा का फॉर्मूला होता है B/H ठीक है, साइन थीटा बराबर P/H होता है और कॉस थीटा बराबर B/H ठीक है। तो अब सिंपल उस पर मान बैठाना है, देखिए हमारा B का मान कितना है, देखिए यहाँ पर B का जो मान निकला हमारा √3 निकला, तो √3 दे दिए। और H का मान पहले ही से था मेरा कितना है, 2 था, तो यहाँ पर 2 दे दिए। तो कॉस थीटा बराबर हमारा कितना है, √3/2। अब देखिए हमारा ऑप्शन में √3/2 है, जी हाँ है, ऑप्शन नंबर B में हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा √3/2 ठीक है। अगला नंबर सवाल में पहुँचते हैं, आपको ये मैथ बिल्कुल सीरियल तरीके से हल हो जा रहा है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ठीक है। दोस्तों अगला नंबर सवाल है, बिंदु -8 और 6 किस चतुर्थांश में स्थित है ठीक है, -8 और 6 किस चतुर्थांश में स्थित है, ये भी आपके लिए बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में देता है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थीय। तो ये मैथ आप बना चुके होंगे, मैं आपको एक बार और रिविजन कर देता हूँ ठीक है।
बिंदु क्या बोलता है, माइनस आठ और छः बोलता है, ठीक है, माइनस आठ और छः बोलता है। तो सिंपल तरीके से आप क्या करेंगे, पहले कि बिंदु चतुर्थांश ज्ञात करने बोला, तो आप एक जैसे ग्राफी विधि द्वारा बनाते हैं उस तरह आप चौड़ा कर देंगे, ठीक है। या देखिए आप यहाँ पर वाई मानते हैं, यहाँ पर वाई डैश मानते हैं, यहाँ पर एक्स मानते हैं और यहाँ पर एक्स डैश मानते हैं। और जब भी ग्राफ विधि बनाते हैं तो यहाँ पर जीरो देते हैं, फिर यहाँ पर लिखते हैं आप यहाँ वन, ऐसे करके टू थ्री फोर, इस तरह से आप लिखते हैं। और इस तरह से लिखते हैं माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, इस तरह से आप लिखते हैं। और इसमें भी और इसी तरह से माइनस करके माइनस टू, ठीक है, इसी तरह से आप चार तक लिखते हैं और इसमें क्या करते हैं प्लस कर देते हैं, यानी कि कुछ नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हमारा प्लस हो गया, ये दोनों माइनस हो गया। तो देखिए हमारा जो है, देखिए पहले एक्स ऐसे लीजिए, तो एक्स हमारा क्या है प्लस है और वाई हमारा क्या है प्लस है, तो ये हमारा क्या हो गया प्रथम हो गया। एक चीज़ याद करेंगे, ठीक है, एक से जो पहला लेना है एक से लेना है, तो एक से हमारा किधर की ओर चल रहा है वन टू थ्री फोर, तो यानी कि इसमें माइनस नहीं हो रहा, यानी कि प्लस छुपा है, तो प्लस की ओर से चल रहा है। तो देखिए प्लस पहले एक से कर दिए और वाई का एक प्लस दे दिए, ठीक है, क्योंकि वाई भी प्लस में ही चल रहा था। अब आइए इसमें देखते हैं, एक से का पहले लेना है, तो एक से में देखिए माइनस माइनस में चल रहा है, तो माइनस देना पहले, ठीक है, एक चीज याद करके, ठीक है। तो एक से में क्या चल रहा है, पहले माइनस से शुरू हो रहा, अब देखिए वाई में क्या हो रहा प्लस हो रहा, तो डैश देकर के प्लस दे दीजिए। ये हमारा हो गया द्वितीय, क्या हो जाएगा द्वितीय। अब आइए तीसरा नंबर में आते हैं, ठीक है। तो देखिए एक से में भी हमारा माइनस है और वाई से भी हमारा माइनस से शुरू होता है, क्योंकि माइनस वन होता है, तो ये हो गया माइनस माइनस, ये हमारा हो गया तृतीय, ठीक है, ये याद करके रखेंगे। प्रथम द्वितीय तृतीय और चौथा जो हमारा हो जाएगा, एक से हो जाएगा हमारा प्लस और वाई हो जाएगा हमारा माइनस, तो ये हो जाएगा आपका चतुर्थीय, ठीक है, चतुर्थीय। तो ये देखिए प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थीय, ठीक है। तो अब देखें हमारा क्वेश्चन में क्या बोला था, माइनस आठ और छः, तो देखिए माइनस और प्लस किस में है, देखिए हमारा द्वितीय में है माइनस और प्लस, जिस जैसे यहाँ पर लिखा है कि माइनस आठ और छः, ठीक है, तो छः प्लस में हमारा माइनस यानी कि आठ में, ठीक है, तो माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस किस में द्वितीय है, तो हमारा करेक्ट आंसर किसका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीय। क्या हो जाएगा दोस्तों, द्वितीय, जो माइनस आठ और छः के चतुर्थांश में अगर स्थित है तो वो है द्वितीय क्षेत्र में, ठीक है। तो अगला नंबर सवाल में आते हैं, चौथा नंबर सवाल आपका, दो पाँच आठ तीन आठ का बहुलक है, ठीक है। तो बहुलक पहले आप जान लें, बहुलक किसे कहते हैं, बहुलक हम उसे कहते हैं जो संख्या में ज़्यादा बार आया, उसे हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। ये चीज़ आप माइंड में याद करके रखेंगे, ठीक है, जो संख्या अधिक बार आया है, ठीक है, जो भी अंक लिखा हो, हजारों अंक लिखा हो, जो संख्या हजार बार यानी कि ज़्यादा बार आए, उस संख्या में सबसे ज़्यादा बार आए, तो उसे क्या कहते हैं हम, यानी कि बहुलक कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, दो हमारा कितना बार में है, देखिए दो हमारा एक बार में है, और देखिए पाँच भी हमारा एक बार में है, आठ भी हमारा एक बार में है, सॉरी आठ यहाँ पर एक बार में है और यहाँ पर आठ दो बार में, ठीक है, तो आठ हमारा दो बार में है और तीन हमारा एक बार में है, यानी कि दो तीन पाँच, ठीक है, तो ये जो तीन है वो सब एक बार में है और आठ जो है वो हमारा कितना बार में है, दो बार में, ठीक है, तो आठ जो हमारा दो बार में है, तो इसका बहुलक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आठ, आठ सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा संख्या कौन है, आठ है, जो कितने बार में है, दो बार में, ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल पहुँचते हैं, तो आपका यानी कि चौथा नंबर पाँचवा नंबर सवाल है, एक्स स्क्वायर माइनस पंद्रह के शून्यक है, एक्स स्क्वायर माइनस पंद्रह के शून्यक है, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस पंद्रह के शून्यक है, तो आइए पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए में है प्लस माइनस पंद्रह, ऑप्शन नंबर बी में है प्लस माइनस रूट पंद्रह, और ऑप्शन नंबर आपका सी में है कि प्लस माइनस पंद्रह बटा टू, और ऑप्शन नंबर डी में है प्लस माइनस फाइव। तो देखिए पहले हम शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, शून्यक ज्ञात करने का सरल तरीका है, आप पहले इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, आपको काफी मजेदार लगेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए मैं शून्यक कैसे ज्ञात करता हूं, यह हमारा क्वेश्चन है, क्या बोला, एक्स स्क्वायर माइनस पंद्रह के शून्य ज्ञात करें, ठीक है, तो अब देखें एक्स स्क्वायर माइनस पंद्रह है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर, क्यों ना हम इसे पंद्रह कर दें, अब आप बोलेंगे कि ये माइनस में था और इस या बराबर में कैसे आ गया, अब ध्यान दें जब भी कोई चीज़ माइनस में हो और बराबर में जाता है तो वो प्लस में हो जाता है, ठीक है, तो माइनस पंद्रह क्या था, माइनस में था और यहाँ गया तो क्या हो गया, प्लस में हो गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर पंद्रह हो गया। अब ध्यान दें कि स्क्वायर को उस तरह भेजना है, एक्स बराबर पंद्रह, ठीक है, स्क्वायर को जब पंद्रह की ओर भेजेंगे आप तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा, किसी भी स्क्वायर को आप उधर भेजेगा यानी कि बराबर के उस साइड भेजेगा तो रूट चढ़ जाता है, ठीक है, तो एक्स को मैंने भेज दिया तो यानी कि स्क्वायर को मैंने भेजा तो एक्स बराबर रूट पंद्रह आ गया आंसर। अब देखिए आप रूट पंद्रह प्लस माइनस भी हो जाएगा, अब देखिए आप हमारा क्वेश्चन में यानी कि कितना आया, एक्स बराबर प्लस माइनस रूट पंद्रह आया, तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया, क्योंकि देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी में है प्लस माइनस रूट पंद्रह, प्लस माइनस रूट पंद्रह, एक्स का मान हमारा बिल्कुल शून्य सही निकल गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं हम छठे नंबर सवाल में, साइन अठारह डिग्री बराबर साइन यानी कि साइन अठारह डिग्री बटा कॉस बहत्तर डिग्री और बराबर मालूम नहीं है, यानी कि बराबर क्या होता है, तो ये मैथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन मैट्रिक में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, यहाँ पर जो भी अंक देते हैं साइन कॉस टेन, और इस तरह से क्वेश्चन जो है बहुत ही
एग्जाम में लगभग एक बार दो बार लगातार ये क्वेश्चन पूछ देता, हर साल क्वेश्चन पूछ देता। अगर इसी तरह के नहीं रहे, 18 के जगह पर कोई अंक रहे, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो आइए पहले इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए हमारा पहले क्या बोलता है कि ये देखिए साइन 18 डिग्री बटा साइन यानी कि कॉस 72 डिग्री, साइन 18 डिग्री कॉस 72 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, आपको क्या काम करना है, एक छोड़ो एक तोड़ो, ठीक है, इसको छोड़ो तो इसको तोड़ो, या इसको नहीं तोड़ो तो इसको तोड़ो, ठीक है। आपको एक को तोड़ना है दोनों में से, इसको ऐसे रखना है और इसको तोड़ना है, और वरना फिर इसको रखना है उसी, तो इसको तोड़ना। तो आइए पहले हम कॉस को तोड़ देते हैं। साइन 18 को मैं सिंपल वैसे लिखेंगे, ठीक है। और देखिए कॉस 72 डिग्री आपको लिख देना है, कॉस 90 डिग्री माइनस 72 घटा देना, ठीक है। कॉस में 90 डिग्री में 72 आपको सिंपल घटा देना है। अब आइए आप नीचे, ठीक है, साइन 18 डिग्री को बिल्कुल वैसे लिखेगा, ठीक है। अब देखें कॉस 90 माइनस 72, तो ये फॉर्मूला होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन, ठीक है। तो मैंने साइन दे दिया। अब देखिए 90 में से 72 घटाइए, तो आपको यहाँ पर मैं घटा के दिखा देता हूँ, 90 में से 72, तो देखिए एक पचले का 8 में से 2 गया, यानी कि 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, और 8 में से 7 जाएगा 1 हो जाएगा। तो आंसर कितना है हमारा, 18 डिग्री। तो 90 में से मैंने 72 घटाया तो 18 डिग्री आया। अब देखिए साइन 18 ऊपर भी है, साइन 18 नीचे भी है, तो ये एक बार में कर सकता है, बराबर रहेगा। तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन रहे आपके एग्जाम में, या यहाँ पर दे दें कि साइन 49 डिग्री और कॉस आपका यहाँ पर जितना भी अंक दे दें, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर 41 दे दें, ठीक है। तो देखिए साइन 49 और कॉस 41, पहले आप सिंपल क्या करेंगे, 39 और 41 को जोड़ेंगे। अगर जोड़कर आपका 90 डिग्री आ गया तो समझ लीजिए इसका आंसर हमारा 1 ही होगा। सिंपल, आपको ऑब्जेक्टिव में आए क्वेश्चन तो इतना हल नहीं करना पड़ेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ऊपर अंक जितना भी रहे, नीचे अंक जितना भी रहे, उन दोनों को जोड़कर अगर आपको 90 आ जाए, ठीक है 90, तो आपको इसका आंसर क्या रखना है, 1 ही रखना है। क्योंकि जब दोनों जोड़ने के बाद 1 आए करेगा तो फॉर्मूला भी काटने के बाद हमारा 1 ही आएगा। तो इतना क्यों हम बनाएंगे, क्योंकि यहां पर ऐसे शॉर्टकट बनाकर हमारा ऑब्जेक्टिव टाइम कम समय में आंसर बन सकता है, ठीक है। तो आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है दोस्तों, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1 होती है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको रोज 10 क्वेश्चंस, रोज 10 क्वेश्चंस वीडियो में अपलोड करता रहूंगा दोस्तों, और 10th क्लास से रिलेटेड वीडियो में अपलोड करूंगा, और मैथ के VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2020 के एग्जाम में आने की संभावना हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि 2020 में जो भी छात्र पढ़ रहे हैं, मैं उनको VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मजबूत कर सकूं। तो यह हमारा मैथ का पहला वीडियो है। अगर ये वीडियो आपको देखने के बाद कुछ भी अंतर लगा हो मैथ में पढ़ने में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, या कुछ भी आपको मालूम नहीं, या आपको कुछ डाउट लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। अब आइए इसी के साथ हम बढ़ते हैं 8वां नंबर सवाल में। यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बाट मतलब मालूम नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल मालूम नहीं, ज्ञात करना है, ठीक है। ऑप्शन में है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आइए पहले इसको हम हल करते हैं, सरल तरीके से इसको हल करेंगे। पहले तो आपको क्या करना है, व्यास हमारा कितना बोला है देखिए यहाँ पर आप, ठीक है, आपको दिख रहा होगा व्यास बराबर है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और बोलता है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, याद करके रखेंगे, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हमारे यहाँ देखिए व्यास है कितना, 14 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसमें हमारा आर खोजते हैं, तो आर हम किसे कहते हैं, त्रिज्या को कहते हैं, ठीक है। तो पहले त्रिज्या का मान निकालना है, तो त्रिज्या का फॉर्मूला होता है व्यास बटा 2, और व्यास को हम डी भी बोल सकते हैं, इसको डी से निरूपित भी किया जा सकता है, ठीक है, व्यास को डी बोल सकते हैं। तो फॉर्मूला में आप डी बटा 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, व्यास बटा 2 या डी बटा 2। अब देखिए हमारा डी का मान कितना है, 14 सेंटीमीटर है, और 2, ठीक है। अब देखिए 2 × 7 = 14, तो हमारा जो आया त्रिज्या बराबर, यानी कि आर बराबर आया 7 सेंटीमीटर, ठीक है, आर बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारा क्या, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आप एक चीज याद करके रखेंगे, पाई का मान होता है 22/7, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जाम में भी पूछाते हैं, ठीक है, 22/7 होते हैं। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, तो पाई का मान हमारा क्या होता है, 22/7, पाई का मान मैंने बैठा दिया, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। अब देखिए आर स्क्वायर बोलता है, तो यहाँ पर आर का मान बैठाना आपको, ठीक है, तो आर का मान देखिए यहाँ पर कितना, 7 सेंटीमीटर है, और स्क्वायर ऊपर 7 का स्क्वायर दे दिए, बिल्कुल आपको इसी तरह करना है, देख सकते हैं 22/7 लिखना सिंपल है, देखिए 7 स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर मतलब समझिए वो 2 बार है, तो इसको यानी कि एक बार में बांट दीजिए, एक बार में, ठीक है, 7 का स्क्वायर मतलब ये 2 बार में है, 7 दुना यानी कि 7 सत्ते कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, तो इसको 2 भाग में बांट दीजिए, एक हो गया और 2 हो गया, और इसी को दोनों को मिलाकर 7 स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें
अब देख सकते हैं जो हम यहाँ पे जो तोड़ दिए हैं, दो को था तो इसको एक एक बदल दिए हैं। तो देखिए सात को सात से काट दिए, एक आ जाएगा और बाईस और सात बच गया, ठीक है, और बाकी नीचे कट गया तो बाईस और सात बच गया, बाईस गुने सात। फिर देखिए यहाँ पर बराबर बाईस को सात से गुना कीजिएगा तो बाईस सत्तर कितना आ जाएगा, देखिए चौदह और चौदह एक पंद्रह, तो बाईस सत्तर एक सौ चौवन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल जो आया वो आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए हमारा ऑप्शन में 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता अचानक गिर जाता है। ताश के 52 पत्ता रहता है, उसमें क्या होता है, एक पत्ता अचानक गिर जाता है, उसको एक होने की प्रायिकता होगी। यहाँ देख सकते हैं आप कि ताश का जो है वो 52 पत्ता है, ठीक है, और एक पत्ता क्या होता है कि अचानक गिर जाता है, अचानक गिर जाता है, ठीक है, एक चीज याद करके रखेंगे, अचानक क्या होता है, गिर जाता है। तो अब क्या बोलता है कि उसको एक होने का प्रायिकता क्या होगा, ऑप्शन में है 3/13 और ऑप्शन नंबर बी में 1/13, ऑप्शन नंबर सी में 2/13 और ऑप्शन नंबर डी में कोई नहीं। तो देख सकते हैं ताश के 52 पत्ते में एक पत्ता अचानक गिर गया, तो उसको समझिए यानी कि एक पत्ता गिरा उसका नाम था क्या, इक्का, उसका नाम इक्का था, ठीक है। तो 52 पत्ता में से इक्का पत्ता होता है चार, एक चीज याद रखेंगे, ठीक है, इक्का पत्ता कितना होता है, चार होता है। तो अब ध्यान देंगे कि ताश के 52 पत्तों में एक पत्ता अचानक गिर गया वो था इक्का, ठीक है, और इक्का का 52 में से कितना होता है, चार होता है। तो बिल्कुल आप क्या करेंगे, 4/52 करेंगे, ठीक है, क्योंकि चार पत्ता गिर गया यानी कि एक पत्ता गिरा और इक्का कितना पत्ता, चार पत्ता, तो 4/52 लिखेंगे आप। और देखिए चार का ही चार, और देखिए यानी कि इसको काटिएगा तो 13 चौक कितना कर जाएगा, 13 चौक 52, तो देख सकते हैं 1/13 आंसर आ जाएगा। तो देख सकते हैं 1/13 हमारा ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो 1/13। तो इसी तरह से आप सोल्व करके बना सकते हैं, जिसमें एक पत्ता गिरा वो एक पत्ता जो गिरा ना वो एक पत्ता गिरा तो वो इक्का हुआ, ठीक है, और एक 52 में से इक्का कितना पत्ता होता है, चार होता है, और 4/52 लेकर काटे तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अगला सवाल 10वां नंबर, ठीक है, तो 10वां नंबर हमारा सवाल है, दोनों संख्याओं का मासा 25 और लासा 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल होगा, मासा 25 और लासा 50 है और संख्याओं का गुणनफल बोलता है, यानी कि दोनों को बीच में गुना करने बोलता है, और दोनों को बीच में जब गुना करेंगे तो देखिए ऑप्शन में है 1150, 1250, 1350, 1450। तो दोस्तों आइए दोनों को बीच के गुना करते हैं, ठीक है, तो दोनों को बीच के गुना करना है, तो हमारा 25 है और 50 है, तो देख सकते हैं यहाँ पर 25×50 यहाँ पर दोनों को गुना कर रहे हैं, 0 0 हो जाएगा, 5×5=25, 2×5=10=12, देख सकते हैं 0 5×5 हो गया, 2 कितना है हमारा आंसर, 12/50 आ गया। तो देख सकते हैं जब 25 को हम 50 से गुना किए तो हमारा 12 यानी कि 12/50 बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है और मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैं रोज 10 क्वेश्चंस बनाऊंगा दोस्तों और रोज मैं अपलोड करूंगा वीडियो, और मैथ ही का वीडियो अपलोड करूंगा दोस्तों, साइंस सोशल भी अपलोड करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दिल से इस वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों और शेयर करना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, ताकि अगले वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको छूटे नहीं, ठीक है। जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके मोबाइल में झन से यानी कि तुरंत मैसेज आ जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए वीडियो को लाइक करके जाए, थैंक यू, दैट्स इट।